आज दोस्तों, आज हम आपको हिंदी में लिखना बताएंगे। तो आप इस वीडियो को देख करके हिंदी में लिखना समझ जाइएगा। तो हम देखिए, इस दीवार पे लिखेंगे। इसके पहले हमने ये लाइनिंग खींच लिए हैं धागे और गेरू से। आप भी ऐसे खींच करके जैसे हम लिखेंगे वैसे आप ध्यान से देख करके लिखना शुरू करिएगा। आपको भी सुंदर राइटिंग लिखना आ जाएगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो आपको ऊपर आइकन बटन में मिल जाएगा। ये हम सीधा लाइन खींचेंगे एक ऐसे, इसका खत काटेंगे ऐसे और इधर भी काटेंगे ऐसे। ये एकदम लाइन सीधा होना चाहिए सूते पर। एक लाइन नीचे की तरफ सीधा खींचेंगे ऐसे और दूसरी लाइन भी बगल में इसे खींचेंगे सीधा एकदम, और यहाँ खत काट देंगे इसका ऊपर नीचे ऐसे, इसको मिला लेते हैं। अब यहाँ पतला करके ऐसे करके पतला ऐसे पतला करके इसको इसमें मिलाएंगे। देखिए, ऐसे पतला करके ये ऊपर की तरफ ऐसे ये प हो। अब हम फ लिखेंगे ऐसे, एक लाइन सीधा नीचे की तरफ ऐसे, दूसरी लाइन नीचे और इसका खत काट देंगे ऐसे। अब ये ब्रश को ऐसे लंबा करके ऐसे खड़ा करके ऊपर की तरफ है ऐसे कर देंगे। और यहाँ भी ऐसे करके यहाँ पर पतला ऐसे, यहाँ पर ऐसे उठा लेना है ब्रश को। फिर उसके बाद ऐसे करके यहाँ पर मोटा करना है ये ऐसे। अब इसका हम मिला देते हैं थोड़ा सा। अब ये माथा थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसको मिला देते हैं। यहाँ पर इसे ब्रश को चौड़ा रखेंगे ऐसे। अब ऐसे करके ब्रश को ऐसे पतला करना है। तो ऐसे करके धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे करके इसको पतला करना है यहाँ। अब यहाँ पर ऐसे मुँह मिला करके यहाँ पतला कर रखेंगे। अब इसके बाद हमको ऐसे ब्रश को ऐसे रख करके ऐसे मिलाना है इसमें, ये ऐसे करके ऐसे। इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लें ऐसे। अब यहाँ पर ये पेट इसका है ऐसे कर देंगे। ये गोला है दोस्तों, यहाँ थोड़ा कलर नीचे आ गया है। ये ऐसे करके हम इसको नीचे ऐसे करेंगे, एक लाइनिंग नीचे की तरफ ऐसे। अब इसको मिला लेते हैं खत। एक लाइन सीधा खींचेंगे सूते पर ऐसे, इसको भी मिला लेते हैं। यहाँ पर राउंड लेंगे गोला, ये ऐसे करके ऐसे, ये इसको ऐसे मिला देंगे। ये कलर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो नीचे गिर रहा था, इसको हम मिलाए हैं इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा दिख रहा है। आप ऐसा मत करिएगा। एक लाइन सीधे नीचे की तरफ, अब इसका खत काट लेते हैं। ये छोटा रहेगा इसके आगे की तरफ, और यहाँ पे राउंड ले लेते हैं ऐसे। अब इसमें मिला देंगे। अब इसको ऐसे करके बीचों बीच इसके सीधे में ऐसे, ये माँ हो गया। अब हम यह लिखेंगे तो ये लाइनिंग हमारा है सीधा ऐसे,
दोस्तों नया नया में थोड़ा बहुत जो है कि लिखने में इधर उधर हो जाता है, तो घबराइएगा मत, वो प्रैक्टिस करते करते वो सब सही हो जाएगा। एक लाइन नीचे की तरफ ऐसे, अब इसको हम मिला लेते हैं ऐसे। ये खड़ा बदस रखेंगे ऐसे, ये ऐसे खड़ा करके फिर ये इसको ऐसे चौड़ा कर देंगे, तो ऐसे करके ऐसे। अब यहाँ से हम इसको पतला करेंगे ऐसे, अब ऊपर की तरफ धीरे धीरे चौड़ा कर देंगे ऐसे। ये है यह, इसके बाद आगे लिखेंगे रह प्रावदास इधर की तरफ, ये ऐसे करके हल्का से इसको चौड़ाई से कर देंगे। अब यहाँ पर इसे गोल कर देंगे ऐसे। अब ये सीधे एक ऐसे करेंगे, पतला बदस ऐसे, खड़ा बदस है ना, तो ऐसे नहीं ऐसे, इसको ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे मिला लेते हैं, ये हमारा रह गया। अब हम ये चौड़ा करके ऐसे उठा करके ऐसे पतला कर देंगे, और यहाँ से इसको चौड़ा करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर इसको ऐसे करके पतला करते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ हम इसको ऐसे करके यहाँ तक हमको लाना है, इसके नीचे तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इसके सीधा से नीचे, तो ऐसे करके इसको, ये हिस्सा हमारा पतला रहेगा, तो ऐसे, ये ऐसे। अब ये थोड़ा सा वो तिरछा हम खत काट लेते हैं इसका। अब एक लाइन हम नीचे की तरफ सीधा खींचेंगे, इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। ये ल हो गया, सीधा एकदम नीचे, एकदम सीधा। फिर इसको खत काट लेंगे, एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, ऐसे कर लेंगे। अब ये भी थोड़ा सा मिला लेते हैं ऐसे, यहाँ पर ऐसे चौड़ा करेंगे ऐसे, यहाँ पर करके धीरे धीरे ब्रश को ऐसे पतला, मतलब घुमाते हुए यहाँ पतला करते हुए इसको यहाँ तक ऐसे मिलाना है। तो ये चौड़ा हो गया हमारा, ऐसे धीरे धीरे पतला है ऐसे। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ राउंड लेंगे हल्का सा, फिर इसको ऐसे पतला करेंगे यहाँ पर। अभी ये धीरे धीरे यहाँ से पतला करते हुए धीरे धीरे मोटा मोटा यहाँ करते हुए इसमें हमको मिला देना है, ये ऐसे, ये है हुआ। यहाँ पर राउंड लेंगे नीचे की तरफ ऐसे, फिर यहाँ एक खड़ा ब्रश रख के ऐसे करके इसको ऐसे मोटा करते हुए यहाँ आ जाएंगे, और इसके नीचे इससे छोटा गोली यहाँ पारेंगे लंबा, ये ऐसे, और ये नीचे वाला हिस्सा को ऐसे मिला देंगे, और यहाँ से एक छोटी लाइन पतली में ये ऐसे खींचेंगे यहाँ पर। अब इसको हम ऐसे करके इसको मिला दें, और एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ सीधा एकदम खींचेंगे ऐसे, और यहाँ खत ऐसे काट देंगे। ये ऊपर वाला माथा को हम मिला देते हैं ये ऐसे, ये हमारा सा हो गया। यहाँ पर हम इसको मिला लेते हैं इसे खड़ा प्रदर्श रख करके, ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसे। अब यहाँ पर हम इसे पतला,
ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच लेते हैं, ये ऐसे। एक लाइन सीधा ले लेते हैं इसे, इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे खड़ा दस करके धीरे धीरे हमको ये मोटाई से करते हुए चले आना है। और एक लाइन यहाँ से नीचे की तरफ सीधा लेंगे, सीधा ऐसे। फिर यहाँ पर हम इसको ऐसे ऊपर नीचे तिरछा हम खत काट देते हैं। यहाँ पर राउंड लेंगे ये ऐसे करके, ऐसे मतलब ये ब्रश ऐसे करके थोड़ा सा इसको ऐसे कर देना है, देख लीजिए। फिर यहाँ से हमको ये खड़ा ब्रश मतलब पतला हमको रखना है, यहाँ से यहाँ नीचे तक आएंगे, यहाँ तक ये ऐसे करके ऐसे। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे मिला लेते हैं। अब ये ऐसे करते हैं, ये सा हो गया। छोटा लाइन इसको सीधा रखेंगे, फिर यहाँ पर हल्का सा राउंड लेंगे ऐसे। फिर इसको यहाँ पर चौड़ा, इसके नीचे वाला ये हिस्सा इतना चौड़ा रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर पतला हो जाएगा ऐसे खड़ा ब्रश। फिर धीरे धीरे इसको ये चौड़ा कर देंगे ऐसे। फिर ये चौड़ा से ऐसे राउंड में हल्का सा लेके इसको हमको पतला करना है ऐसे खड़ा ब्रश। ये हम इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। और भी एक लाइन इस नीचे की तरफ ऐसे हम थोड़ा सा राउंड गोला मिलेंगे ऐसे। अब ये खड़ा यहाँ पर दस रखेंगे, खड़ा ऐसे करेंगे मतलब ये पतला होगा, फिर ये हिस्सा इसे मोटा हो जाएगा। तो ये ऐसे करके ऐसे। अब हमको यहाँ नीचे तक ये राउंड लेना है ऐसे। अब यहाँ पर हम गोली पार देते हैं ऐसे, और एक सीधा खड़ी लाइन ऐसे कर देंगे। अब इसको मिला लेते हैं खत इसका। अब यहाँ से पतला, अब ये मोटा धीरे धीरे ऐसे। इसका माथा ले लेते हैं ऐसे, इसका खत मिला लेते हैं। अब यहाँ से हल्का सा ऐसे कर देंगे इसको। आप एक सीधा लाइन नीचे की तरफ, ये भी सीधा रहेगा नीचे की तरफ। अब यहाँ पर इसे खत काट लेते हैं, इसको मिला लेंगे इसे सीधा। ये भी माथा थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसको मिला लेते हैं। यहाँ से हमको यहाँ तक आना है मतलब ये जो हिस्सा है इसके थोड़ा सा इधर यहाँ तक, बीचों बीच यहाँ बीच से ये ऐसे। अब यहाँ हमको इसको मिला लेता है, यहाँ यहाँ हमको चौड़ा करना है इसे ऊपर धीरे धीरे। अब इसके बाद पतला करेंगे धीरे धीरे ऐसे। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे मिला लेते हैं, ये हमारा तरह यहाँ पर खत ऐसे मिला लेते हैं ऐसे। दोस्तों ज्ञा जो है कि दो तरह से लिखा जाता है, ये एक ऐसे है, ये यहाँ ऐसे करके यहाँ पर थोड़ा सा राउंड लेना है, और ये इसको मिला देना है ऐसे, और ये ऐसे करना है। और ये जो माथा है इसको हम बड़ा कर लें, इसको मिला लेते हैं। और एक ये ऊपर की तरफ पे इसको ऐसे मिलाएंगे यहाँ से, फिर बाहर राउंड हल्का सा ऐसे। अब यहाँ से खड़ा ब्रश करके ऊपर की तरफ हल्का सा, फिर उसके बाद नीचे ऐसे, फिर इसको इसके सामने यहाँ करके इसे मोटा कर लेंगे। अब ये ऐसे राउंड ले लेंगे और यहाँ पर ऐसे कर देंगे। ये ज्ञा ऐसे भी लिखा जाता है, ये ज्ञा है एक और ये ज्ञा है एक। ये देखिए इसका हिसाब और इसका हिसाब थोड़ा अलग होगा, ये आप देख ही रहे होंगे।
तो दोस्तों ठीक है, तो ये